इनका चैलेंज था वो ये था कि सोहेल भाई ने बड़ा साथ दिया। एक्चुअली हुआ ये कि इनको मैंने कहा था 2-3 दिन दे दे मुझे शुरू में, उसके बाद दो तीन साल लग सात गए सात साल सात आठ साल नहीं, उसमें उसमें अच्छा मैं ये बताता चलूं, कामरान साहब तकल्लुफ करते हैं चूंकि प्यार बड़ा करते हैं, ये समझते हैं कि इन्होंने मुझे बड़ा सताया है, हालांकि मैं बखुदा एक दिन भी मुझे कोई टेंशन नहीं हुई, मुझे खुशी होती थी। मेरा ना शामी साहब, अजमल खान साहब जो हीर रांझा में विलन थे, तो वो उनको सारी इंडस्ट्री उस्ताद कहती है। मैंने राई साहब को भी देखा है कि वो भी आके उनके पैर पकड़ रहे हैं और सब लोग ही। उनका एक फिक्रा है जी, कि रीटेक अच्छा आर्टिस्ट करवाता है। तो आपने जो अपने कई मतलब इन्होंने ये इसलिए ये हमारे हमारे लिए हंसी है, मेरे लिए भी और काफनान साहब के लिए भी, कि अपने कई सीन जो है वो रीटेक किए। अच्छा गुस्सा करते थे उस जी? गुस्सा करते नहीं नहीं नहीं, 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 बड़े मजे से। अच्छा देखें, ये मैं कोई इनके मुंह पे इनकी तारीफ नहीं कर रहा, ये इंतहाई कॉन्फिडेंस में काम कर रहे थे। नो डाउट, मैं बखुदा बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार ये बंदा पहली फिल्म बना रहे हैं और इतने कॉन्फिडेंस के साथ, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई को हबड़ दबड़ नहीं पड़ी हुई, बड़े कॉन्फिडेंस से शूट करते थे, यहाँ तक के शाहिद साहब जी। अब शाहिद साहब जो हैं ये तो उन इन्होंने तो बचपन में उनसे कुटे भी खाई हमारे लिए भी वो शाहिद साहब पाकिस्तान के सुपरस्टार, तो हम भी जब वो आते थे तो फौरन खड़े हो जाते थे और ये वो। इन्होंने उनको भी डायरेक्शन बड़े कॉन्फिडेंस से दी, बल्कि अगर कहीं पे शाहिद साहब ने उनके अंदर से अब्बू जागा उन्होंने कुछ थोड़ा सा कुछ कहने की कोशिश की कि ये जो तुम कर रहे हो ये तो ऐसे ही है वो, तो इन्होंने बड़ा नॉर्मली उनको कन्विंस किया कि मैं जो कर रहा हूँ। अच्छा इंसान है कामराम शाहिद साहब, मेरा भी इत्तेफाक हुआ वो शूटिंग पे जाने का और बड़े मजेदार। नहीं, एक ड्रामा जो हमने किया उसमें ये भी है। अच्छा इत्तेफाक नहीं हुआ, ये तकल्लुफ से काम ले ये है, एक ड्रामा हमने किया उसमें है, ये भी है, और नवाज अर्जुन साहब का और रोल खुल के फिल्म में तो है ही। अच्छा लेकिन एक ड्रामा और किया हुआ है जिसमें ठाकुर साहब भी है। इन्होंने शाहिद साहब की भी नहीं सुनी, यानी ये इमरान खान बन गए। कभी माथे पे शिकन नहीं देखी कि सारी सारी रात अपनी अगली फिल्म पकी। बस यही बैठे बैठे पक्का पक्का आप काम कर रहे हैं। एक बात अगर बता दूं जी शामी साहब, तो कामरान शाहिद जो है सर, यानी इस फिल्म की कामयाबी जो है इतनी धूम मच गई है पूरी दुनिया में जी जी, तो उसके बाद तो फिर ये चैन से नहीं बैठेंगे अब उसी फिल्म तो बनानी पड़ेगी जी सर इंशाल्लाह। उनके उसके कूचे से एक शाम गुजरा था मैं, वाह फिर यही रोज का मशगला बन गया। वाह ये सारे जो हैं इनको कुछ रोल भी देना पड़ेगा।